हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय सेल्फ श्वेता मौर्य, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर इन केजीएमयू. तो आज क्वेश्चन की सीरीज में मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, दो चैप्टर के, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के. दो चैप्टर के मैंने पहले भी करवाए थे. आई होप आपको वो जो सेशन है वो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए. एंड आप कोशिश करिए कि खुद से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आप आंसर देखिए कि क्या है. एंड जो आपको नहीं आ रहे क्वेश्चंस उसके आप नोट्स बनाते रहिए ताकि रिवीजन के टाइम पे वो हेल्पफुल हो. तो साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा. एंड आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हैं, वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एंड आपको और कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द किंगडम प्लांटी. मतलब जो किंगडम प्लांटी उसके अंदर इसमें से कौन कौन से आते हैं. ए है साइनोबैक्टीरिया, बी है फंजाई, सी है जिम्नोस्पर्म, डी है टेरिडोफाइट, ई है एल्गी, एफ है ब्रायोफाइट्स एंड जी है एंजियोस्पर्म. सो जो प्लांट किंगडम होते हैं उसमें जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड एल्गी आते हैं. सो जो इसमें से आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है यानी कि आपका एल्गी हो गया, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड ब्रायोफाइट. तो आपका जो ऑप्शन वो थर्ड वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एल्गी. मतलब कि इसमें से जो एल्गी है ऐसी कौन सी एल्गी है जो यूनिसेलुलर है. तो जो एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर भी होती हैं, वो कॉलोनीज में भी रहती हैं, फिलामेंटस भी होती हैं. तो इनमें से जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो है क्लेमाइडोमोनास. सो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्लेमाइडोमोनास. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉलोनियल एल्गी कौन सी होती है. मतलब ऐसी कौन सी एल्गी जो कॉलोनी बना के रहती है. तो उस एल्गी का नाम है वॉलवॉक्स, ठीक है. और बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज बाय. मतलब कि कौन सी जो एल्गी होती है उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. तो ऑप्शन है ए, पहला है फिजन, बी है बडिंग, सी है फ्रेगमेंटेशन एंड डी है नन. तो जो एल्गी होती है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है. तो इसका ऑप्शन है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन. मतलब कि ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें होता है. ए है वॉलवॉक्स, बी है फ्यूकस, सी है स्पायरोगायरा एंड डी है बोथ वन एंड टू. तो जो ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो वॉलवॉक्स और फ्यूकस दोनों में होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ वन एंड टू. सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन एल्गी. मतलब कि इनमें से कौन सी ग्रीन एल्गी नहीं है. ए है लैमिनेरिया, बी है क्लेमाइडोमोनास, सी है कारा एंड डी है वॉलवॉक्स. तो जो क्लेमाइडोमोनास, कारा और वॉलवॉक्स होते हैं वो ग्रीन एल्गी होते हैं, लेकिन जो लेमिनेरिया होती है वो ग्रीन एल्गी नहीं होती है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउन एल्गी. मतलब कि इनमें से ब्राउन एल्गी कौन सी नहीं है. ए है लेमिनेरिया, बी है फ्यूकस, सी है डिक्टियोटा और डी है पोरफायरा. तो जो लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा ये तीनों आपके ब्राउन एल्गी में आते हैं, बट जो पोरफायरा है वो रेड एल्गी में आता है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, पोरफायरा. एट्थ क्वेश्चन है, पॉलीसाइफोनिया इज अ. मतलब कि पॉलीसाइफोनिया ग्रीन एल्गी होती है, रेड होती है, ब्राउन या गोल्डन, कौन सी एल्गी होती है. तो जो पॉलीसाइफोनिया होती है वो आपकी रेड एल्गी होती है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, रेड एल्गी. नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल स्पीसीज आर यूज एज फूड. मतलब कि एल्गी की कौन सी स्पीसीज होती हैं जो हम खाने में जिसको हम खाते हैं, जिनको हम खाने में यूज कर सकते हैं. ऑप्शन ए है पोरफायरा, बी है लेमिनेरिया, सी है सार्गासम और डी है ऑल ऑफ दीज. तो
जो पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गासम, ये तीनों जो स्पीशीज होती हैं उनको हम खाने में यूज करते हैं, खाते हैं, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। 10th क्वेश्चन है, एल्गिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन है ए है रेड एल्गी, बी है ब्राउन एल्गी, सी है ग्रीन एल्गी और डी है गोल्डन एल्गी। मतलब कि एल्गिन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है, तो जो एल्गिन होती है वो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरागिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन ए है फंजाई, बी है ब्रायोफाइट्स, सी है रेड एल्गी एंड डी है ग्रीन एल्गी। तो जो कैरागिन होता है वो रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है, सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अगला है कि अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब जो अगार एक सब्सटेंस होता है वो किससे हमें मिलता है। ए है जिलेडियम, बी है स्पायरुलिना, सी है क्लोरेला और डी है नन। तो जो अगार जो हमें मिलता है वो मिलता है जिलेडियम से, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जिलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी एल्गी इज नोन एज, जो क्लोरोफाइसी एल्गी होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो क्लोरो से आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि जैसे क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है, सो जो क्लोरोफाइसी एल्गी होती है उनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 14th क्वेश्चन है, द आउटर एंड इनर सेल वॉल ऑफ क्लोरोफाइसी इज मेड अप ऑफ, जो क्लोरोफाइसी एल्गी होती है उसकी आउटर और जो इनर सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन ए है सेलुलोज एंड काइटिन, बी है काइटिन एंड पेक्टोज, सी है सेलुलोज एंड पेक्टोज और डी है सेलुलोज ओनली। तो जो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है, मतलब कि जो आउटर लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है और इनर जो लेयर होती है वो पेक्टोज की होती है, सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी, सेलुलोज एंड पेक्टोज। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन एल्गी, इनमें से कौन सी ग्रीन एल्गी है। ऑप्शन ए है वॉल्वॉक्स, बी है यूलोथ्रिक्स, सी है स्पायरोगायरा और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे आपके ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, तो जो डी है ऑल ऑफ दीज ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एल्गी बिलोंग्स टू विच क्लास, जो ब्राउन एल्गी होती है वो किस क्लास को हम कहते हैं, कौन सी एल्गी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी, बी है फियोफाइसी, सी है रोडोफाइसी एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो फियोफाइसी होती है उसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फियोफाइसी। अगला क्वेश्चन है, फियोफाइसी पजेस विच पिगमेंट, मतलब जो फियोफाइसी होती है उनमें कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए एंड सी, बी है कैरेटिनॉइड्स, सी है जैंथोफिल और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फियोफाइसी जो होती है उसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरेटिनॉइड्स और जैंथोफिल सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 18th क्वेश्चन, इन ब्राउन एल्गी फूड इज स्टोर्ड एज, जो ब्राउन एल्गी फूड बनाती है वो किस तरह स्टोर करती है अपनी बॉडी में। ए है प्रोटीन, बी है लैमिनेरिन, सी है मैनिटॉल एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो जो ब्राउन एल्गी होती है वो अपना फूड स्टोर करती है लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल के रूप में, सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बोथ टू एंड थ्री, यानी कि बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, इनमें से कौन सी ब्राउन एल्गी नहीं है। ऑप्शन ए है एक्टोकार्पस, बी है डिक्टियोटा, सी है सार्गासम और डी है ऑल ऑफ दीज। आई थिंक ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, मुझे लगता है कि नॉट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारे हैं वो सारे ब्राउन एल्गी के ही एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें ये होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी ब्राउन एल्गी हैं। सो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा एंड सार्गासम ये सारी जो होती है वो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉल्ड एज, जो रोडोफाइसी होती है उसको हम और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीन एल्गी, बी है ब्राउन एल्गी, सी है रेड एल्गी एंड डी है गोल्डन एल्गी। तो जो रोडोफाइसी होती है उनको हम रेड एल्गी कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। 21st क्वेश्चन है, फूड इज स्टोर्ड इन रेड एल्गी एज,
जो रेड एल्गी होती है उनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो जो रेड एल्गी होती है उसमें फूड फ्लोरिडिन के रूप में स्टोर होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, फ्लोरिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल इन रेड एल्गी इज मेड अप ऑफ। जो रेड एल्गी की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए है सेलुलोज, बी है पेक्टिन, सी है पॉलीसल्फेट ईस्टर्स एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो रेड एल्गी की सेल वॉल होती है वो इनमें से सबसे बनी होती है, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है मार्केंशिया इज अ, अब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है मार्केंशिया इज अ, ऑप्शन ए है लिवरवॉर्ट, बी है मॉसेस, सी है ब्रायोफाइट्स एंड डी है एंजियोस्पर्म। तो मार्केंशिया जो होता है वो होता है जो ब्रायोफाइट के दो क्लास है लिवरवॉर्ट एंड मॉस, तो मार्केंशिया होता है लिवरवॉर्ट। तो ए ऑप्शन आपका सही है। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबिया हम किस क्लास को कहते हैं? ऑप्शन ए है एल्गी, बी है फंजाई, सी है ब्रायोफाइट्स एंड डी है एंजियोस्पर्म। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियन कहते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि वो रहते तो लैंड पे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको कहीं ना कहीं वाटर की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, सो उनको एम्फीबियन कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, ऑप्शन ए डिप्लॉइड, बी है हैप्लॉइड, सी है मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एंड डी है पॉलीप्लॉइड। तो जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स के मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंथ्रीडियम, बी है आर्चिगोनियम, सी है गायनोसियम एंड डी है एंड्रोसियम। तो जो ब्रायोफाइट का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उनको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो जो ब्रायोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम आर्चिगोनियम कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेग्नम इज अ, स्फेग्नम क्या है? ऑप्शन ए है एल्गी, बी है फंजाई, सी है मॉस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो स्फेग्नम जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में आता है एंड मॉसेस में आता है, सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 29th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस। तो ऑप्शन ए है फ्यूनेरिया, बी है पॉलीट्राइकम, सी है स्फेग्नम एंड डी है मार्केंशिया। तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम ये तीनों मॉसेज होते हैं, लेकिन जो मार्केंशिया होता है वो लिवर वॉल्ट में आता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वैस्कुलर टिश्यू इज, मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लैंड पे हैं उनमें ऐसा कौन सा क्लास था जिसमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू आए थे? तो ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, बी है एल्गी, सी है एंजियोस्पर्म एंड डी है टेरिडोफाइट्स। तो जो टेरिडोफाइट्स थे उनमें सबसे पहले वैस्कुलर सिस्टम पाया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिडोफाइट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेरिडोफाइट नहीं है? ऑप्शन ए सिलेजिनेला, बी है सेल्विनिया, सी है पॉलीट्राइकम और डी है इक्विसिटम। तो जो पॉलीट्राइकम होता है वो टेरिडोफाइट नहीं होता है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है सिलेजिनेला, सेल्विनिया एंड इक्विसिटम ये तीनों टेरिडोफाइट होते हैं, सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन ए है गायनोसियम, आर्चिगोनिया, बी है आर्चिगोनिया गायनोसियम, सी है एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया और डी है आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया। सो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो टेरिडोफाइट के होते हैं उनको हम एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया आर, ऑप्शन ए है होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, बी है हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस, सी है बोथ होमोस्पोरस एंड डी है बोथ हेट्रोस्पोरस। तो जो सिलाजिनेला और सेल्विनिया होते हैं वो दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब जो इनमें स्पोर बनते हैं
वो डिफरेंट होते हैं देखने में, और भी बाकी डिफरेंट बातें होती हैं. सो ये हेटरोस्पोरस होते हैं. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज द टैलेस्ट ट्री. जिम्नोस्पर्म में कौन सा जो इनमें से ऑप्शन दिया है वो सबसे बड़े ट्री होते हैं, इनमें से कौन सा वो है. ऑप्शन ए है पाइनस, बी है साइकस, सी है सिकोया एंड डी है नन ऑफ दीज. तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सबसे जो बड़ा ट्री होता है वो होता है सिकोया का. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी. 35th क्वेश्चन है, फंगल एसोसिएशन इज प्रेजेंट इन विच जिम्नोस्पर्म. कौन से जिम्नोस्पर्म में फंगल एसोसिएशन होता है. तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो फंगस होती है वो हायर जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाती हैं, जिनको हम माइकोराइजा कहते हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पाइनस. जो फंगस होती है वो पाइनस के साथ, उसकी रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाती है, जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं. 36th क्वेश्चन है, ब्रांच सिस्टम इज नॉट अ फीचर ऑफ. ऑप्शन ए है पाइनस, बी है सिड्रस, सी है साइकस एंड डी है नन ऑफ दीज. तो जो साइकस होती है उसका जो ब्रांच होता है वो अनब्रांच्ड होता है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी साइकस. बाकी पाइनस सिड्रस इन दोनों में जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स फॉर्म्स द. जो ओव्यूल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो आगे चल के क्या बनाते हैं. जो उसका ऑप्शन है ए फ्रूट, बी है सीड, सी है गैमेटोफाइट एंड डी है नन. जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं वो आगे चल के सीड का फॉर्मेशन, सीड में कन्वर्ट होते हैं. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी सीड. 38th क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय. जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सीड किससे इनक्लोज होते हैं. ऑप्शन ए है नो कवर, बी है फ्रूट, सी है थ्री मेम्ब्रेन एंड डी है नन. जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट से कवर होते हैं, मतलब फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं. इसके पहले जितने भी जो क्लासेस थे उसमें जो सीड तो बनते थे लेकिन वो नेकेड होते थे, वो कोई कवरिंग नहीं होती थी. बट एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और वो फ्रूट से फ्रूट के अंदर होते हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉल एंजियोस्पर्म. ऑप्शन ए है साइकस, बी है जिंको, सी है यूकेलिप्टस एंड डी है हिबिस्कस. तो ये तो सबसे बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है वो सबसे बड़ा होता है एंजियोस्पर्म में. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी यूकेलिप्टस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ एंजियोस्पर्म. जो एंजियोस्पर्म का मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है पॉलन ग्रेन, बी है स्टेमन, सी है पिस्टिल एंड डी है नन. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी स्टेमन. जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्म के उसको हम स्टेमन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म. जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्म में उसको हम क्या कहते हैं. उसको हम पिस्टिल कहते हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी पिस्टिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स बाय विंड और अदर एजेंट टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है पॉलिनेशन, बी है सिनगैमी, सी है डबल फर्टिलाइजेशन एंड डी है नन. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ. ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, बी है जिम्नोस्पर्म, सी है एंजियोस्पर्म एंड डी है ऑल ऑफ दीज. तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पेशल फीचर होता है एंजियोस्पर्म का. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज. ए है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, बी है कवरिंग ऑफ सीड, सी है बोथ वन एंड टू एंड डी है नन ऑफ दीज. तो एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनकी देखभाल करना, उनको खाना देना. तो जो इसका ए ऑप्शन है वो है करेक्ट, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो. 45th क्वेश्चन है, अब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके भी हैं.
क्वेश्चन है, एनिमेलिया किंगडम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सी है सम यूनिसेलुलर एंड सम मल्टी सेलुलर, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जो एनिमल किंगडम होते हैं उनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पॉन्जेस इज अ कॉमन नेम ऑफ विच फाइलम मेंबर, ऑप्शन ए है सीलेंट्रेट, बी है पोरीफेरा, सी है एनिलिडा, एंड डी है एसके हेलमिंथीज। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं उनको हम जो कॉमन नेम होता है वो पोरीफेरा का होता है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पोरीफेरा। नेक्स्ट है, इन स्पॉन्जेस वाटर एंटर्स इन बॉडी थ्रू, फिर डैश है एंड गोज आउट थ्रू, मतलब जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें जो बॉडी में वाटर जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है और बाहर जाता है वाटर तो कहाँ से जाता है। ऑप्शन ए है ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया, बी है सीलोम एंड ऑस्टिया, सी है ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, डी है स्पॉन्जोसील एंड ऑस्टिया। तो स्पॉन्जेस में जो वाटर की एंट्री होती है वो ऑस्टिया के थ्रू होती है और जब वाटर बाहर जाता है वो ऑस्कुलम के थ्रू जाता है, सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाथ स्पॉन्ज, इनमें से किसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ऑप्शन ए है साइकॉन, बी है सी एनिमोन, सी है यू स्पॉन्जिया, एंड डी है स्पॉन्जिला। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडेरिया इज ऑल्सो नोन एज, जो निडेरिया क्लास होता है निडेरिया को हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है पोरीफेरा, बी है टीनोफोरा, बी है सी है सीलेंट्रेटा, एंड डी है प्लेटी हेलमिंथीज। तो जो निडेरिया होते हैं उनको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 50th क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट आर, जो निडेरिया क्लास होती है उनमें नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, तो नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है इनकरेज, बी है डिफेंस, सी है कैप्चर ऑफ प्रे, और डी है ऑल। तो जो नीडोब्लास्ट होता है वो इन सारे काम को करता है, वो प्रे को भी कैप्चर करता है, एनकरेज और डिफेंस, तो सारे काम वो करता है, सो इसका ऑप्शन करेक्ट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज, जो टीनोफोर क्लास होता है उसको हम और किन किन नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है सी एनिमोन, बी है सी वॉलनट्स, सी है कॉम जेलीज, एंड डी है निडेरिया। जो टीनोफोर्स होते हैं उनको हम सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, बी एंड सी, यानी कि सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज आर कॉमनली नोन एज, ऑप्शन ए है राउंड वॉर्म, बी है फ्लैट वॉर्म, सी है सी पेन, एंड डी है ब्रेन कोरल। तो जो प्लेटी हेलमिंथीज होता है उनको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फ्लैट वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड वॉर्म इज द कॉमन नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ विच फाइलम, कौन सी क्लास के जो मेंबर होते हैं उनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ऑप्शन ए है सीलेंट्रेटा, बी है प्लेटी हेलमिंथीज, सी है एसके हेलमिंथीज, एंड डी है पोरीफेरा। तो जो एसके हेलमिंथीज होते हैं उनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं क्योंकि वो बॉडी के स्ट्रक्चर एंड शेप के अकॉर्डिंग हम उनको ये नाम देते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी एसके हेलमिंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें से लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। ऑप्शन ए है एनिलिडा, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है मोलस्का, एंड डी है हेमिकॉर्डेटा। सो जो लार्जेस्ट फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ऑप्शन ए है मोलस्का, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है एनिलिडा, एंड डी है नन। तो ये जो फीचर होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा का, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म्स हेल्प इन, तो इकाइनोडर्म्स में जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या क्या फंक्शन करता है, उसके क्या क्या काम होते हैं। ऑप्शन ए है लोकोमोशन, बी है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सी है रेस्पिरेशन, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो इकाइनोडर्म्स में जो वाटर
वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है वो सारे काम को करता है, यानी कि वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, जो प्रे होता है उसको कैप्चर करने में, फूड के ट्रांसपोर्ट में, रेस्पिरेशन में, इन सारे कामों में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। उसके बाद 57th क्वेश्चन है, पॉइकिलोथर्म्स मीन्स ऑर्गेनिज्म इज, मतलब पॉइकिलोथर्म्स जो होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। ऑप्शन ए है वार्म ब्लडेड, बी है कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, सी है कोल्ड ब्लडेड एंड डी है बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो जो पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, हम जो कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, उनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं एंड पॉइकिलोथर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट है होम्योथर्म्स मीन्स, होम्योथर्म्स किसको, इसको हम और क्या कहते हैं। तो जो कोल्ड ब्लडेड जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उनका, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। आई थिंक मैंने कुछ थोड़ा सा गलत बता दिया, जो पॉइकिलोथर्म्स होते हैं वो जो उनका बॉडी का टेम्परेचर वो एनवायरमेंट के साथ चेंज करते रहते हैं, और जो होम्योथर्म्स होते हैं वो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखते हैं, उनके जो बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है। तो होम्योथर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एबीज, जो एबीज होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लडर, बी है प्रेजेंस ऑफ फेदर, सी है प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन एंड डी है ऑल। तो जो क्लास एबीज होती हैं या फिर एव्स आप जो भी कह लीजिए, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ फेदर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स इज, जो मैमल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, बी है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, सी है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड डी है प्रेजेंस ऑफ हेयर। तो जो मैमल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड होती हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 60 क्वेश्चंस करवाए हैं दो चैप्टर्स के, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के। आई होप ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं मैंने वो कवर कर लिए हैं। ऑब्वियसली मैंने नीट के लेवल का इसमें नहीं करवाया है, क्योंकि जो BSc नर्सिंग है वो थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो नीट से कम है, सो मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन ही करवाए हैं जो उसके लेवल के हैं। आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। एंड अभी भी मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, एंड सबसे ज़रूरी है रिवीजन, आप रिवीजन करते रहिए जब तक कि आपके एग्ज़ाम मतलब पास में जब तक आ जाएंगे, आप रिवीजन करते रहिए 5 बार 6 बार जितनी बार आपसे हो पाए, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल होती रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।